लेकिन सबसे पहले चलते हैं प्रसून जैन के पास उदयपुर। क्या प्रसून नई टीम मोदी कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला कर पाएगी? नमस्कार सर, सर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं सर? जी बिल्कुल प्रसूक, बताइए क्या नई टीम मोदी कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला कर पाएगी? सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें यहाँ मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और सर रही बात आपके सवाल की, तो सर अभी हम इनसे सिर्फ आस कर सकते हैं, एक उम्मीद कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अभी कोरोना के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो नए चेहरों के साथ नए काम की ज़रूरत है। क्योंकि जिस प्रकार मंत्रिमंडल में फेरबदल की गई है मोदी सरकार की, पिछली बार उन्होंने जो अपनी सरकार चलाई थी वो अनुभवी बुजुर्ग के साथ चलाई थी, और इस बार सभी जोशीले नौजवान हैं उनकी सरकार में, उनके मंत्रिमंडल में उनके साथ काम करने के लिए। तो अब देखना ये है जनता को कि किस प्रकार ये जो टीम है मोदी की, एक नौजवानों की जो टीम है, वो कैसे अपने काम को लेकर आगे आती है। क्योंकि आज भी हम कई सेक्टर्स देखते हैं जो कोरोना के इस दौर में उन्हें पूरी तरीके से क्षति पहुँची, एक बहुत बुरी क्षति पहुँची है। हमारा व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से वो नुकसान से भरा हुआ है। तो हमें ये देखना होगा कि उन व्यापारी वर्गों को कैसे सरकार ऊपर लाती है, उसका कोई स्ट्रेटेजिक प्लान है क्या, कोई उसकी स्ट्रेटेजीज हैं सरकार के पास। दूसरी बात रही बात विपक्ष की, विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है कि मंत्रिमंडल क्यों बदला गया और नए मंत्रियों को क्यों लाया गया। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे, क्या पिछले मंत्री सही कार्य नहीं कर रहे थे? मेरा सवाल है सर ये कि क्या पिछले मंत्री जो थे वो सही कार्य कर रहे थे या नहीं, क्यों उन्हें बदला गया? और दूसरा ठीक है क्यों उन्हें बदला गया? प्रसूक आपका जवाब गुरुप्रकाश जी से लेते हैं, बताइए क्या पुराने मंत्री ठीक से काम कर रहे थे गुरुप्रकाश जी या नहीं कर रहे थे? जनता आपसे सवाल पूछ रही है। मैंने बिल्कुल स्वाभाविक है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बहुत सरल कहावत है अंग्रेजी में, चेंज अलोन इज चेंजलेस, परिवर्तन ही अपरिवर्तनीय है। तो परिवर्तन होना स्वाभाविक है, जब तक पुराने लोग नहीं जाएंगे तब तक उससे बचने के लिए आप चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस आप करिए, वेलकम है, चेंजेस सब करते हैं, लेकिन आपके चेंजेस से आपको अपने कृषि मंत्री को बदलना चाहिए था, जिसकी वजह से किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है। लेकिन नरेंद्र तोमर यहाँ पे अंटमंट तरह की स्कीमें ला करके डिक्लेयर कर रहे हैं और किसान आंदोलन इससे पीछे नहीं होगा, आपने नहीं बदला उनको। ठीक है, ब्रेकिंग आ रही है, मेरा पैनल ब्रेकिंग तैयार करेगा, तब तक विवेक जी बोल दीजिए। एजुकेशन मिनिस्टर जो है इनका, मुझे नहीं मालूम वो कितने सक्सेसफुल एचआरडी, पिछले एक समय में स्मृति ईरानी को एचआरडी का बनाया था, मुझे नहीं मालूम उनका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। धर्मेंद्र प्रधान क्या करेंगे मैं नहीं जानता, मैं एलजेपी के साथ इनके रिश्तों में जाना नहीं चाहता हूं। आप बदलाव करिए, आप युवाओं को लाइए, आपका स्वागत है। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को मान रहे हैं तो भी एज एन ऑपोजिशन पार्टी मेंबर मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, कृषि मंत्री आपको बदलना चाहिए। आपका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया विवेक की बात तो जी,